पुलिस वाले भी छोड़ दे उन्हें, क्यों उन्हें पैसे मिल जाते हैं फिर छोड़ दे। किनको मिलता है पैसे? उन्हें पुलिस वालों को पैसे मिल जाए तभी छोड़ दे। इस गांव में दारू थोड़ी कभी भी बंद नहीं होते, कभी भी ना कभी भी कार्रवाई नहीं हुई इस गांव में, कतई कार्रवाई नहीं होती। जाना हुआ दारू लगाड़े, जिसका जमीन जो कन्ने खाने वाले हुए भी जो बिना कन्ने खाले हुए वो भी। हरिद्वार जिले से एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही, यहां दारू पीने से 7 लोगों की मौत की खबर है। बता दें पथरी थाना क्षेत्र के फूलगढ़ और शिवगढ़ में चुनाव की जहरीली शराब पीने से 7 ग्रामीणों की मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आनन फानन में गांव पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस टीमों ने ग्रामीणों को जहरीली शराब पिलाने वाले प्रत्याशियों के घर और ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। इस बीच कुछ ग्रामीणों ने जंगल से लकड़ी लाकर आनन फानन में बिना पोस्टमार्टम के शवों का अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। बताते चले हरिद्वार जिले के देहात में कच्ची शराब बनाने और तस्करी करने का धंधा बड़े पैमाने पर होता रहा है। 2 साल पहले भी भगवानपुर का और झबरेड़ा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गांव में जहरीली शराब पीने से 50 से ज्यादा ग्रामीणों की मौत हुई थी। इस शराब से सहारनपुर जिले के भी 30 से ज्यादा ग्रामीण अकाल मौत के गाल में समाये थे। इन दिनों पंचायत चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं और पंचायत में प्रत्याशी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उनकी पसंद के मुताबिक कच्ची देसी और अंग्रेजी शराब पिला रहे हैं। इस बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने भी गांव पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाई और पुलिस टीम को धरपकड़ के निर्देश दिए। इसके अलावा क्या कुछ बोले सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे इस गांव में जहाँ पर हम है फूलगढ़ में, यहाँ पर 4 डेथ हुई हैं और निश्चित रूप से एक साथ 4 डेथ होना ये एक चिंता का विषय है और एक कंसर्न का एक विषय है। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे अधिकारी पुलिस के अधिकारी आए हैं और यहाँ पर ये आशंका व्यक्त की जा रही कि इनके द्वारा शराब के सेवन से इन लोगों की डेथ हुई है। अब ये शराब किस प्रकार की थी, ये एक्सेसिव शराब है, ज़्यादा पीने से डेथ हुई है या इसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ थी, तो इसके लिए हम लोगों ने तुरंत यहाँ पहुँच के जो सारे जो डेड बॉडीज थी इनको पोस्टमार्टम के लिए हम भिजवा रहे हैं जो यहाँ पर अभी उपलब्ध हैं। इनको रोका गया जबकि अभी अपने अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। यद्यपि इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग बीमार थे, वृद्ध थे, लेकिन हम लोग इन सबका पोस्टमार्टम करा रहे हैं और पोस्टमार्टम करने के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इनकी मृत्यु का वास्तविक कारण क्या है। इस बीच ग्रामीणों का भी गुस्सा फूट पड़ा और क्या कुछ कह डाला सुनिए। और लेने का हमारा गांव में आए थे, बुलाना घर से ही बुला के ले गए थे खाट पे पड़े। 4 लोगों की मौत हुई है, कैसे हुई है? दारू पीने की वजह से हुई। दारू पिया रहे कच्ची दारू? हाँ कच्ची। आप लोग क्या मांग रहे, क्या चाहते हैं आप? दारू बंद करवा दो। यहाँ तो औरत भी कालते हैं, घर से बुला के ला रहे हैं, औरत जिनका जमीन वो भी कालते हैं, जिनका जमीन ना वो भी कालते हैं। जितने भी प्रधान हैं इसका दारू नहीं बंद, इन्हें सबको उठाओ और इनके घर की सबकी तलाशी ले जाओ। पूरे गांव में दारू निकल गई। शराब पिलाई दी प्रधानों ने? शराब पिलाई जी प्रधानों ने, एक ने नहीं सब ने। लक्षण अलग लक्षण की वजह पिला रहे हैं। कल तो एक हुई थी नौलपुर की हुई, एक शिवगढ़ में, एक हमारे गांव में, 2 हुई कल। कल भी? कल हाँ जी। आज 4 हुई, एक 5 हुई शिवगढ़, 5-4 हमारे गांव हुई। पुलिस तो पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही फिलहाल। अच्छा, ये पुलिस वाले भी पैसा लेगा फिर। Thank you.